नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देशभर में घरेलू विमान सेवाएं 25 मई से बहाल होंगी। नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को तैयारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड 19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1607 हुई। आज 88 नए मामलों की पुष्टि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 करोड़ प्रवासी कामगारों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराने को दी मंजूरी। और सुपर साइक्लोन अम्फन पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराया। प्रदेश के कई क्षेत्रों में चक्रवात के प्रभाव से हो रही है बारिश। अब समाचार विस्तार से। देश में घरेलू विमान सेवाएं 25 मई से सीमित तौर पर शुरू हो जाएंगी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है। श्री पुरी ने उड़ान सेवाओं की बहाली को लेकर सभी एयरपोर्ट और विमान सेवा प्रदाता कंपनियों को तैयार रहने को कहा है। बिहार में कोविड 19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। बेगूसराय सदर अस्पताल में 3 दिन पहले खगड़िया के 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई थी। जांच में मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मृतक दिल्ली से लौटा था। इधर प्रदेश में आज कोविड 19 के 88 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1607 हो गई है। महामारी से ग्रसित कुल 571 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मार्च से अब तक 53,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई है। प्रदेश में 14 स्थानों पर जांच की सुविधा उपलब्ध है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8 दिनों में दोगुनी हो रही है। 168 संक्रमण के साथ पटना जिला शीर्ष पर है। वहीं मुंगेर जिले में 133 और रोहतास में 91 लोग महामारी से ग्रसित हुए हैं। इधर देश में कोविड 19 संक्रमित लोगों की संख्या 106,750 हो गई है। इस महामारी से अब तक 3,303 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 140 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 39.62% है। अब तक 42,298 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड 19 महामारी की स्थिति में दंत विशेषज्ञों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महामारी के वर्तमान हालात में दंत चिकित्सक, उनके सहायक और दांतों का इलाज करा रहे मरीजों में संक्रमण का भारी खतरा हो सकता है। दांतों के इलाज की प्रक्रिया में मरीज की लार, खून और श्वास संबंधी स्राव की काफी नजदीक से संपर्क में आना अपेक्षित होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बहुत से मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, वे भी कोरोना के वाहक हो सकते हैं। इसलिए यह सलाह दी गई है कि दांतों का इलाज करा रहे लोगों के प्रति खास सावधानी बरती जाए। कंटेनमेंट जोन में दंत चिकित्सा क्लिनिक बंद रहेंगे, हालांकि वे मरीजों को टेली परामर्श प्रदान करना जारी रख सकते हैं। इस जोन के मरीज एम्बुलेंस के जरिए पास के कोविड दंत चिकित्सा केंद्र पर जा सकते हैं। रेड जोन में आपातकालीन दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा सकता है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में दंत चिकित्सा क्लिनिक परामर्श प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि केवल आपातकालीन और जरूरी परिस्थिति में ही ऑपरेशन किए जाएंगे और ओरल कैविटी की जांच से जुड़े उच्च जोखिम के कारण राष्ट्रीय कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम के तहत मौखिक कैंसर स्क्रीनिंग को नए दिशा निर्देश जारी होने तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 8 करोड़ प्रवासी कामगारों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन आपूर्ति की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार में 3 मई से अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 7 लाख प्रवासी कामगार देश के विभिन्न राज्यों से अपने गृह जिलों तक लाए गए हैं। रेलवे ने इस दौरान 489 रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। इधर आज 66 विशेष ट्रेन से 1 लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं। कल 70 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। इन गाड़ियों से 1,14,000 से अधिक लोगों के बिहार पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी लोग प्रदेश में आना चाहते हैं, उन्हें लाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे अगले महीने की 1 तारीख से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त होंगी और भारतीय रेल श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुना करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके। रेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण करके उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें ताकि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें। रेलवे के कार्यकारी निदेशक राजेश वाजपेयी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों में से किसी के भी कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में उसके बारे में पता करने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में रेलवे 180 रेलगाड़ियां प्रतिदिन चला रहा है। 1 मई को हमने निर्णय लिया था कि हम श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे और तब से भारतीय रेल द्वारा 20 लाख लोगों को ले जाया गया है। अभी लगभग हम एक दिन में 180 के करीब रेलगाड़ियां चलाते हैं। हमारा प्रयास है कि हम ये 300 रेलगाड़ी प्रतिदिन तक चलाएं जिससे कि जो श्रमिक हमारे फंसे हुए हैं कहीं पे उनको उनके राज्यों पे ले जाया जा सके। राज्य सरकार ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए पंचायत और ग्राम स्तर पर क्वारंटीन सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। राज्य में वापस आने वाले श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये फैसला किया गया है। अब तक 6,40,000 से अधिक श्रमिकों को प्रखंड स्तर पर बनाए गए 8,600 से अधिक क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और कोलकाता से आने वाले श्रमिकों को इन क्वारंटीन केंद्रों में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा। गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से वापस आने वाले लोगों को पंचायत स्तर पर बनाए जा रहे क्वारंटीन केंद्रों में रखा जाएगा। बाकी राज्यों से आने वाले लोगों को ग्राम स्तर पर बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों में रखा जाएगा। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 24 मार्च से अब तक 2,277 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उल्लंघन के मामले में 17,62,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है जबकि 75,457 वाहनों की जब्ती की गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें पर्यटन विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं उदय सिंह कुमावत स्वास्थ्य विभाग के नए प्रधान सचिव बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सुपर साइक्लोन अम्फन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद भारतीय हिस्से में प्रवेश कर गया है। चक्रवात के प्रभाव से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। इधर बिहार में इस चक्रवात के प्रभाव से राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, नवादा, बांका, मधुबनी, दरभंगा में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। पूर्णिया, कटिहार जिले और आसपास के हिस्सों में तेज हवा चल रही है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। इधर राजधानी पटना, लखीसराय, कटिहार समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दिन में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि अम्फन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी बिहार में पड़ेगा जिससे कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और अररिया जिले में कई स्थानों पर 1 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य शिक्षा बोर्ड को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने सभी शिक्षा बोर्ड से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि परीक्षा का आयोजन अलग अलग तिथियों में कराया जाए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि लॉकडाउन के बीच बसों के जरिए परीक्षार्थियों का आवागमन सुगम बनाया जाए। यह स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाए। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि परीक्षा के दौरान शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य कर्मचारी मास्क पहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का कड़ाई से पालन करें। परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का समुचित प्रावधान होना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। 2 वर्ष से भी कम अवधि में यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ इसका सहज सुलभ होना है। उन्होंने कहा कि इसके लाभार्थी देश के सभी भागों में उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, भले ही उनका पंजीकरण किसी भी जगह हुआ हो। प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित 1,30,00,000 राशन कार्ड धारक परिवारों को 1,000 रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं 8,40,000 बिना राशन कार्ड वाले परिवारों के लिए भी डीबीटी के माध्यम से ये राशि प्रदान की गई है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जिन लोगों के राशन कार्ड बनाने में आधार कार्ड के कारण दिक्कत हो रही है, उनके लिए अभियान चलाकर प्रखंड स्तरीय आधार सेवा केंद्रों पर नए आधार कार्ड बनाए जाएंगे। श्री कुमार ने बताया कि रेहड़ी पटरी और ठेले पर सामान बेचने वाले लोगों को केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ मिलेगा। राज्य में ऐसे लोगों का सर्वे कराया जाएगा। लॉकडाउन की अवधि में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों का जीवन काफी आसान हुआ है। खगड़िया और लखीसराय के कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मैं जगदीशा ग्राम मुरली चंचलपुरा जिला खगड़िया निवासी। हम लोग 5 किलो चावल मिला है, 1,000 को रुपया मिला है और उनको धन्यवाद देता हूँ। नीलम देवी, मतलब नया बाजार 25 नंबर वार्ड बरकी दुर्गा स्थान में मिला है हमको 1,000 रुपया राशन वाला। जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों और एहतियाती उपायों का पालन करने का आग्रह किया है। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अपने अपने घर पे ही हैं। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, ना कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, लेकिन हम सबको मिलकर इस वायरस से लड़ना है। हम उन तमाम लोगों को बहुत ही धन्यवाद करते हैं, चाहे वो हमारे आर्म फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर हो, जितने लोग जो इस वायरस से लड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम सब लोग उस वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो स्टे होम स्टे सेफ। केंद्र सरकार ने इस वर्ष मई से जुलाई महीने तक कर्मचारियों के मासिक वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान 12 की जगह 10% लेने की अधिसूचना जारी की है। यह निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इससे पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अंशदान दर कम करने की घोषणा की थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस बारे में अधिसूचना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि अंशदान दर में कमी का उद्देश्य 4,30,00,000 कर्मचारियों और 6,50,000 प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को संकट से तत्काल राहत देना है। अंशदान दर में कमी से कर्मचारी को वेतन की अधिक राशि मिलेगी और नियोक्ता की देयता में भी 2% की कमी होगी। मंत्रालय ने कहा कि अंशदान में कटौती की यह दर केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य उद्यमों या केंद्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाले अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में घरेलू विमान सेवाएं 25 मई से बहाल होंगी। नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को तैयारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,607 हुई। आज 88 नए मामलों की पुष्टि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 करोड़ प्रवासी कामगारों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराने को दी मंजूरी। और सुपर साइक्लोन अम्फन पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराया। प्रदेश के कई क्षेत्रों में चक्रवात के प्रभाव से हो रही है बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिये, सुरक्षित रहिये और सुनते रहिये आकाशवाणी।